आज की इस वीडियो में हम आपको जहानिया की एक दरबार आखिरी आराम का, जो कि ज़िला खनेवाल की तहसील जहानिया में वाक़ है, उसका मेला लगा हुआ है, तो उसकी आपको सैर भी कराएंगे और आपको दरबार का भी बताएंगे। ये दरबार हज़रत पीर फिरोज़ शाह साई का है और इनके बारे में इनके मुरीदीन क्या कहते हैं, ये आपको इस वीडियो में आगे जाके हम आपको बताएंगे। ये आपको इस दरबार के अंदरूनी मनाजिर हैं। यहाँ पर आपको दो कब्रें नज़र आ रही होंगी, एक हज़रत पीर फिरोज़ शाह की और दूसरी उनके खादिम हुसैन की है। ये दरबार का मुसाफिर खाना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ से दूर दराज से आए हुए मुरीदीन यहाँ जो है रात को स्टे करते हैं। ये दरबार का लंगर खाना है, जहाँ पर तीन टाइम हज़ारों मुरीदीन के लिए जो है वो लंगर का इंतज़ाम किया जाता है। दरबार के साथ ही एक छोटी सी मस्जिद भी है, जहां नमाजी नमाज अदा करते हैं। और इसी दरबार के साथ एक छोटा सा कब्रिस्तान भी है, जहां पर मुरीदीन की बहुत सी तादाद जो है वो यहां दफन है। पीर साहब की करामत के बारे में उनके एक खलीफा ने बड़ी डिटेल से बताया, आप भी सुनिए। बाबा जी हुजूर ने अपने तमाम खुलफा को, मलंगों को, जायरीन को और मानने वालों को, मुरीदों को आप हुजूर ने फरमाया कि ये किसे मेरे को उनको गल पूछनी है कि वो पूछ सकता, क्योंकि मैं पता कर जाऊँगा। लेकिन आप हुजूर ने फरमाया कि मैं मरना नहीं और उसकी निशानी बताई। वो क्या निशानी थी? उनके ऐलान हो गया कि मैंने मरना नहीं। अब आगे निशानी की बात कि उसकी निशानी ये होगी कि मेरे हथ लुटने की देर उसी कि ये निजाम जरा ये 70 गुना बढ़ जाता नहीं तो वजह नहीं करेगा। मेरे हथ लुटने की देर उसी ये निजाम जरा 70 गुना बढ़ जाता एक निशानी इस गल की होती कि मैं जिंदा मरिया नहीं। बाबा जी हुजूर आप हुजूर के सामने ये खासा अर्ज कर रहा है और मेरी कोशिश होती है कि मैं नफ़ को लफ्ज बोलूँ। आगे ये अगर गल ना हो, गल सच्ची नहीं हो,
मैं वो अनुभव नहीं आ सकता इन आपकी कोई बाबा जी ने आवाज मैं जरा बना के गल करता अगर मैं जिंदा ना रहा तो फिर तो ये होती कि नवाब अगर मैं कर सकता ये दिशा नहीं होती अगर ये सफर को ना बढ़िया तो फिर मैं जिंदा अगर ना बढ़िया फिर क्या करना फिर मैं अपने मुरीदों को ये हुक्म दे देना आज क्यों अगर आपको पीर हो रोक लगा क्यों इस वास्ते जब निशानी नहीं आएगी फकीर ने तो अपने अपना हर कोई कोई दूसरा पीर जोड़ लगे और अगली गल जिहड़ी के मेरे को बदल च ज्यादा आप लोग फरमाया क्या करें ये मेरा निजाम अमीराना ना हो जाए तो फिर मैं ना करता तो ये हुक्म देना हिट जाता पीर जोड़ लगना लंगर खाना सवाब भी है और लंगर खाना शफा भी है एक छोटे से बच्चे ने नात शरीफ पेश की हक बहू का कलाम पेश किया गया पीर साहब के लिए मेहंदी का इंतजाम किया गया पर चादरें चढ़ाई गईं पीर साहब ने ड्रम बजाया और मुरीदीन ने धमाल Thank you.
अंदाज से ढोल बजाए। महफिल समा का इंतजाम किया गया।